मुंबई शहर में बिजली के अभाव से गई पुलिस कर्मचारी के पत्नी की जान। मुंबई मलाड स्थित अप्पापाड़ा में रहने वाले पुलिस कर्मचारी की पत्नी की बिजली के अभाव से मृत्यु होने की घटना सामने आई है। मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन में एएसआई के पद पर कार्य करने वाले सोनू नाइक अपने परिवार के साथ मलाड अप्पापाड़ा स्थित साई कृपा चाल में पिछले 27 सालों से रहते आए हैं, लेकिन वो जहां रहते हैं वो जगह वन विभाग के अंतर्गत आती है। यहां बसे लोगों को स्थानांतरित किया जाने वाला था। कुछ लोगों को स्थानांतरित किया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग यहीं बसे हुए हैं। ये क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत होने के कारण यहाँ के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पुलिस कर्मचारी सोनू नाइक, इनकी पत्नी सुरेखा सोनू नाइक बीमार थी। उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए बिजली की आवश्यकता थी, लेकिन उसी वक्त बिजली के अभाव के कारण उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और उनकी मृत्यु हो गई। अगर इस जगह बिजली की व्यवस्था होती और इस महिला को सही समय पर ऑक्सीजन मिल जाता तो आज सुरेखा नाइक के प्राण बच जाते, ऐसा डॉक्टर पंकज बंग ने कहा। परिवार वालों का सीधा आरोप पुराने चुने गए नगर सेवक, विधायक, सांसद और राज्य पर लगा रहे हैं। सवाल वही, जब चुनाव के दौरान जिन सरकार प्रतिनिधियों को हम चुनकर देते हैं वह हमें अपनी मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आखिर कब राजनीति के आड़ में आम जनता को परेशान किया जाता रहेगा? आखिर कब मलाड कांदिवली के अंतर्गत रहने वालों इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, समनाश ने। कशा प्रकारे त्रास होता, किती दिवसापासून हा त्रास आहे, काय आश्वासन दिले जातात? ते आश्वासन म्हणजे संडास देतात, पाणी देतात आणि मी जे पैसे भरलेले 2008 अद्याप आम्हाला रूम मिळाले। काय म्हणून सांगून ते पैसे घेतले होते आणि कशा प्रकारे पैसे भरले? म्हणजे कसे तोडणार होते, सगळ्यांनीच पैसे भरलेले, काही लोकांना रूम मिळाले चांदवलीला, अद्याप आम्हाला 8 वर्ष आता किती 15 साल 2008 भरलेलं आहे मी डेट फॅमिलीच्या नावावर। आम्ही पोलीस कधी आईच्या नावावर ठेवलं कसं, आपण गव्हर्नमेंट बोलतो, गरीब आहे म्हणून इथे राहतो। आई एकंदरीत तुम्ही स्वतः पोलीस पट्ट्या जर तुम्हाला मिळाली असती, मात्र पोलीस पट्ट्या तुम्ही देखील नाही देता, तुम्ही एकंदरीत त्या ठिकाणी तेव्हा म्हणजे कसं, त्याच्या आधी आम्हाला क्वार्टर्स मिळत नाही होते, मी 2-3 अर्ज केलो पण क्वार्टर्स मिळालं नाही, त्याच्यामुळे मी धोपडं घेतलेलं होतं 10 हजार आणि आमच्या सगळं पुरावा आहे माझ्याकडे, आयडेंटिटी कार्ड, मुलं 3-4 मुली माझी इथे जात होते, एक मुलगा, 2 मुली इथे जन्म होते, इथेच राहतो। चाहेंगे एक बड़ा हादसा आपके घर में हुआ है, महज एक इलेक्ट्रिसिटी पावर की वजह से क्या कहना चाहेंगे? मेरी मम्मी की अभी जान जो गई है वो उसका मैं पूरा जो ब्लेम है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या गवर्नमेंट को ही करती हूँ। हम लोग इतने ईयर से रह रहे हैं यहाँ पे, 27-28 ईयर से यहाँ पे ही रह रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे रह रही है, मलाड हिल रिजर्वाई एरिया का नाम है, बट हमें यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, जगह का अप्रूवल भी नहीं है, इवन कंस्ट्रक्शन करने के लिए अलाउड भी नहीं है। तो मुझे खाली यही बोलना है कि हमें जीने का अधिकार दे दो, क्योंकि मुंबई जैसा मेट्रो सिटी है तो मेट्रो सिटी में ऐसी बात होना, लाइक मेरी मम्मा की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जान जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसके लिए वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, कितना लज्जास्पद बात है। वो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी गांव रहता तो अलग बात थी, तो गवर्नमेंट को ही मैं ब्लेम कर रही थी। मुझे जीने का अधिकार दे दो लोगों को, मेरी मम्मा तो गई बट दूसरे लोगों को तो मिलना चाहिए ना। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो एक दूसरे सेगमेंट पे है, लेकिन उसके एक प्रतिनिधि हर एक क्षेत्र में है। वही मैं बोल रही हूं, मैं नगर सेवक को ब्लेम करूंगी डायरेक्टली। क्या हुआ अभी तक, अब तक नगर सेवक से आपकी क्या बात हुई? कौन नगर सेवक? मुझे तो याद है जितने टाइम से, एक ही बार आया था, उसके बाद तो मैंने कभी उसका मुंह देखा भी नहीं। यहाँ पे एक ही बार आया था, खाली घूम फिर के चला गया बस। नगर सेवक प्रशांत दशरथ कदम, रात को 12 बजे सब लेडीज को मैं लेके गई थी, लाइट नहीं था वहाँ पे, तो हम लोग लेके गए थे, मिला नहीं नगर सेवक। बाद में करीब 12:30 बजे वो आया कहाँ से, बोला कि हाँ 1 बजा था पूरा, ये लेडीज लोग मेरे साथ थे, हम लोग उसके घर पे गए, शाखा भी बंद हुआ था। हाँ तो क्या बोले मेरे को कि वहाँ पे ना हम लोगों को NOC नहीं पास करके दे रहे, तो हम लोग कहाँ से लाइट देंगे तुम लोग को, ऐसे बोला नगर सेवक। और बहुत बार ऐसे हुआ, वो लोगों के पास जब भी एप्लीकेशन लेके जाते एक ही बोलते हम लोग को NOC नहीं दे रहे। मैं यहाँ पे भी गई थी, फॉरेस्ट ऑफिसर विकास गुप्ता था तब, वो भी मेरे को वही बोला कि NOC नहीं पास कर रहे गवर्नमेंट, तो मैं कहाँ से NOC पास कर। अब भी शिवसेना के नगर सेवक यहाँ से चुन के आए हैं, शिवसेना के मेयर है यहाँ पे, शिवसेना की सरकार है, क्या मांग करना चाहेंगे? जब वोट मांगने वो लोग आते हैं तो आप उन्हें क्या,
अभी तो मैं जगह का अप्रूवल देंगे सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास, हमारी लैंड अप्रूव कर दो, हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी अलाउड नहीं है। अभी जो नगर चाहिए ना उनको हम ब्लेम नहीं कर रहे क्योंकि वो तो अभी आए, लेकिन जो फर्स्ट वाले थे ना प्रशांत कदम, वो तो मेरे को अच्छी तरह से पहचानते क्योंकि बहुत बार उनके पास मैं एप्लीकेशन लेके गई थी, लेकिन कभी उन्होंने खाली बोलते हाँ देंगे करके घाक करके नीचे, मैं नाम लेके बोलती हूँ। तब हम पानी की लाइन के लिए सुनील प्रभु के ऑफिस में गए थे, घाक यहाँ तक आए, पानी की लाइन आई नहीं, खाली घाक आके गए बस।